शंकर भगवान की। प्यारा सजनों, आज मैं आपके स्वामी शंकर भगवान के ब्याह की कथा सुनाऊंगा। कथा इस प्रकार है, एक समय शंकर भगवान पहाड़ा पे बैठा था और पार्वती जी ने केवल आ गया कि मैं 12 साल की तपस्या में बैठूला, समाधि में बैठूला। तो पार्वती जी केवल आ गया कि ठीक है बैठ जाओ, पर मैं भी कठिन कठे जन्म ले लूं। कि ठीक है, मारे भी कोई अड़ा वाली बात नहीं है। तो देखो कहीं तो शंकर भगवान समाधि में बैठे हैं और अठीने पार्वती जी कहीं तो मृत्यु लोक में जन्म लेवे है और कहीं बात बन जावे। शंकर चढ़ाई रे समाज बरस दवादस ताई, सती हुई है अलोप गई मृत लोक रे माही। तीन लोकरी मात कही जे जाने जुग संसार, हे मंदिप उजीण में जद लियो गवर अवतार, आज शिवजी री महिमा। फिर आगे कहे, नारद करियो ध्यान स्वर्ग सु चल कर आया, करी परकमा चार निवण कर शीश झुकाए, निर्मल होकर बैठ गया जी तीनों आसन ढाल। घना दिनासु आयो नारद हो गया आनंद अपार, हे भाई घना दिनों आयो है, आज कई बात है। नारद जी अठीने उठी ने देखे और कहे कि आज माता जी नहीं दिखा मैंने, कई बात है। तो शंकर भगवान कहे, नारद या तो मने ही ध्यान नहीं है, पर सुनो नारद, आप ऐसी करो कि माता जी को ध्यान कर और मने कहो कि माता जी कटे गया। तो नारद जी कहे कि आपरा घर की बात मैं कई जानू हूं। फिर भी नारद जी जावे और बे माता ने पूछे और आगे कई बात बन जावे। मंगावो
रही बोल अगमरी सूरत समावो, बे माता रही बोल अगमरी सूरत समावो, साचा देऊ से लाण भेद पत उणरी रे जावो, साचा देऊ से लाण भेद पत उणरी रे जावो, होत बिनाऊ पीत में दी नगर उजैणी गा देव नारद तुम पाचा ही जाओ हेरो जुग संसार वेद से ही खबर मंगाओ भाव पलक पलटे नहीं जी मतिन करियो जेज बे माता ने पूछ ले यो कठे लियो अवतार आज शिवजी री महिमा बे माता रही बोल अगमरी सूरत समाओ साचा देऊ सेलाण भेद पत उणरी जाओ कोस जिनाणु बीच में नगर उजेणी गांव हे मंदिर उजीण में जद लियो गवर अवतार आज शिवजी री महिमा जिन टेम का बीच में नारद जी राजा हिमाचल लगे जावे और आगे कई बात बन जावे है अरे नारद पंत निहार उबे कोई बात विचारे नारद पंत निहार उबे कोई बात विचारे बिन पहुंचे दरबार बात गुण के वही तारे बिन पहुंचे दरबार बात गुण के वही तारे उन लोगारी गर्ज करे हैं करो उपाय हर को नारद रे आवण री नृप ने आप ही मालम होय आज शिव जीरी रमे मां निहार उबे कोई बात विचारे बिन पहुंचे दरबार बात कुन केवे सारे उन लोगारी गर्जा करे और करो उपाय हर कोई नारद रे आवण दी नप ने आप ही मालूम होए फिर आगे केवे राजा कियो विचार सामने चल कर आया करी परकमाचार निवण कर शीश झुकाया निर्मल होकर बैठ गया सुन जो आज्ञा रवि हाथ जोड़ विनती करे मारे घरा पधारो आज आज शिवजी री महिमा ओहो ब्रह्मा जी रा पुत्र आज मारे थे कई काम आया है कि आप कई काम पधारिया हो और कटू पधारिया हो तो केवल आया कि मैं एक हगई हकपन का चक्कर में आया हूं सकपन की को करो तो केवल आया आपने एक लड़की है नी पार्वती जी को नाम है कि हाँ महाराज तो आगे लड़को तो लड़को तो ठीक ही है और काम कई करे कहीं व्यापार करे कन पढ़ाई करे राजा जत्री बात मैंने पूछी नारद जी हाँ मैं हाँ भर दी और आगे कहीं तो नारद जी राजा ने कह दे और कहीं बात बन जावे
सभा चित लाय भगत कर साचिर मेवा शिव शंकर रो ब्याव प्रेम तू गावर भाई सुन रे सभा चित लाय भगत कर साचिर मेवा राजा केवे नारद थने में अश्व नहीं जानियो ए बेठीरा बाप आगे कम से कम ठिकाना तो पूछ लेतो और ठिकाना तो मैंने बताया हो तो मैंने रिजिक भी नहीं होती राजा नहीं रूप नहीं तो कई काम करे है शंकर उजनी नाम बतायो तो केवे यो तो जाने को नाम लगे है और वहां को परदादा जो लगे परदादो और या पड़ पोती हे बेठीरा बाप थने शर्म नहीं आई या राजा जी की बेटी है और तू आज कैसी बात करने की उठे नारद जी को खूब स्वागत दियो और खूब धक्का लगया और फर्स्ट गियर लगायो तो 26 किलोमीटर तक पाचा गया तो नारद जी मन में विचार करियो कि ठीक है भाई साहब राजा मारी घनी खातरी करी क्योंकि मैं कुबोलो बोलियो जो आज मारे धक्का लगया पर नारद जी भी कम नहीं है और मन में रीस कर और सीधा हिमालय पर्वत पहुंच जावे और आगे कई बार बन जावे मन में क्रोध उपाय चले यूं नर्द गोसाई जा पहुंचे कैलाश एक यूं चिनकर माई जा पहुंचे कैलाश एक यूं चिनकर माई साथ कहूं तोरी सिर जावे झूठ कयो नहीं जा भारी गुस्सा आयो और शंकर भगवान ने के गया तो भगवान शंकर ने पूछो कि आज आपको मुंडो गणो उतरियो है नारद जी कई बात है तो नारद जी कहे कई करा मने तो उठे गणो कूटियो खूब जरबा खादा में तो उठे शंकर भगवान कहे वारे गेलिया वा हगई हमन करवा गयो तू और उठे झूठ खादा था बेटे हगा जी लाड करिया की थारा ठीक है यह बात छोड़ और बता मारे ब्याह के लिए कई करियो तू तो नारद जी कहे
आपके ब्याह की पड़ी है और मने उठे घायल करना क्यों? आप मार साता नहीं पूछी और मारी मजाक करो होते। देखो मारा मोर छोलना क्या है? तो शंकर भगवान अचंबो करियो और बात बताई कि मारो नाम लियो कि नहीं लियो थे? के नाम लियो बाबू जी, जो ही तुम्हारे जरबा पड़िया है, बाकी आप नाम नहीं लेते हो तुम्हारे जरबा नहीं पड़ता। कहीं तो अपनी खोज प्यार करे शंकर भगवान और आगे कई बात बन जावे। गड़ियार बीती जाए पलक में कोर बिताई, गड़ियार बीती जाए पलक में कोर बिताई, राजा ऊपर को बजाय नगरी न दिखाई, राजा ऊपर को बजाय नगरी न दिखाई, एक पलक के मायने जी दुनिया बाजी जा। बीच में शंकर भगवान दुनिया भर का जंगली जानवर साथे लिया और नारद जी ने कहे कि की कर है नारद जी? तो नारद जी कहे है कि उजाड़ गणो करेला, ये तो आप तो बिच्छू ही ले लो, ये तो गणा वाने तो हाथ बुला दे। लोग करे फरियाद आज किन दिशा में जावा, डंक फेलो जाए जीव ने किन विध बचावा, सारा मिल अर्जी करे गया राजा के पास, हे मां जड़ तुम कन्या देवो मारे जीवन की आस, आज शिवजी री महिमा। सब लोग जाग और फरियाद करे कि हे राजा, एक छोरी के लिए सबने क्यों मरवाओ हो? तो सब लोगों ने साथे देख राजा ने दया आ गई और सोचो कि अब हाँ भरबो ही ठीक है। तो हे मां जड़ राजा कहीं तो शंकर भगवान को माफी मांगे और कहीं बात बन जावे। देख सहरी रो हाल राजा यूं चल कर आया, देख सहरी रो हाल राजा यूं चल कर आया, करीरे परत माचार निमण कर शीश झुकाया, हाथ आटियार बांध शंकर ने जाय मनाया, मैं तो हूं ता हलकाय गुणे तू मंगल हादी, बांग हला हलकाय
मारी मत मार दे जी तू मत मारी जा जिन टाइम शंकर भगवान ने जाय बनाया और हां भर दी की हगाई तय है और फिर ब्याह कदी करना है तो गणी जल्दी बिजाई और फिर आबारी ले लो तो ठीक है। तो नारद जी कहवे नहीं सा नहीं बारात ले नावा और जीवनो जीमा अशान प्रणवा थोड़ी गई चलती शादी नहीं करा मैं। तो जी टाइम राजा महल में गयो और रानी ने केवल आयो के हे रानी यो मैं ब्याह तय कर दियो है। तो राजा कहे यो कहीं करियो आप जो लड़की का पैसा टका लेवे है वही बूढ़ा ने परनावे है। तो हे बेटी रा बाप या कोई जोड़ी है कहीं। तो राजा कहवे अब जोड़ी मिलो चाहे मत मिलो मैं दुनिया में नहीं मार सकूं। अब साओ लिख और ब्राह्मण देवता ने लारे भेजे कि जोशी जी महाराज बढ़िया साओ देखो गड़बड़ मत बदियो देखो क्योंकि पहला लड़ी झगड़ा खूब हो गया है। तो ब्राह्मण देवता बढ़िया साओ निकाल और बढ़िया टनाटन बना और कहवे कि इन्हें आड़िया में रख दो के नहीं रख रहा नहीं इन लेन रवाना हो जाओ। तो जोशी जी कहवे कैलाश मारा बाप दादा नहीं देखी और मैं कहीं देखूला। तो जोशी जी ने कहवे कि चिंता मत करो जोशी जी आप तो आज तक छह महीने ही अटा गया है। तो वहां टाइम कहीं तो महाराज रवाना वे है और कहीं बात बन जावे ही समझाए रानी अब के बन लागी कैसे ही समझाए रानी अब के बन लागी नेड़ो नहीं कैलाश जोशी ने के बन लागी नेड़ो नहीं कैलाश जोशी ने के बन लागी जोड़ी रो बरे हेरने जी छत्रपति ले आ देवर खेड़ाई आज आज शिव जी रे महिमा सुनो रे सबा चित लाए भगत कर साजी रे महिमा सुनो रे सबा चित लाए भगत कर साजी रे महिमा कैसे ही समझाए रानी अब के वन लागी कैसे ही समझाए रानी अब के वन लागी नेड़ो नहीं कैलाश जोशी ने के वन लागी नेड़ो नहीं कैलाश जोशी ने के वन लागी जोड़ी रो परे हेरने जी छत्रपति ले आए छत्रपति धरी जो नहीं अब देऊ में खेड़ई आज आज शिव सुनो रे सबा चित लाए भगत कर साजीर महिमा शिव शंकर रो ब्याव प्रेम तुंगा वर पाई सुन रे सबा चित लाए भगत कर साजीर महिमा सुन रे सबा चित लाए भगत कर साची महिमा जी। अब जिन टेम का बीच में ब्राह्मण देवता सारी बात सुनी और रानी की बात भी सुनी और रवाना हुआ वहां टाइम पार्वती जी यूं केवल आ गया कि महाराज बात सुनो आज यूं मत कर जो कि कठई जाबा की जरूरत नहीं पड़ेगा आपका मन में चिंता होगी आप घरे जान सो जाओ तो शंकर भगवान अपने आप आ जाए। और रात के टाइम शंकर भगवान चला चाटी आया और महाराज कैलाश में ले गया। और जिन टाइम महाराज की नींद खुली और श्री कृष्ण जी महाराज सोचियो कि गांव में सुता थी का और अठे कुण पटक गयो मने वहां टाइम शंकर भगवान कहीं तो योग निद्रा खोले और कहीं जोशी जी बात करे और आगे कहीं बात बन जावे
योगनी दरिया ने कोल शंकर ने समाचार लाया, योगनी दरिया ने कोल शंकर समाचार पहुंचाया। ब्राह्मण कई दे जातरो जी हे मां चढ़ कर जा, नगर उज्जैन तू आवियो जी लायो में लिखन लिखाए आज शिव जीर में मां भगत कर साचीर में मां शिव शंकर रो ब्याव प्रेम तू गावर पाया। नगर उजैनी रे माय आज यू केसर आया, नगर उजैनी रे माय आज यू केसर आया। योग निंदरिया ने कोल शंकर समाचार पहुंचाया, दरिया ने कोल शंकर समाचार पहुंचाया। ब्राह्मण कई गे जातरो जी हे मां चढ़ कर जा, उजैनी तू आवियो जी लायो में लगन लिखाया आज शिव तीर में मां सुन रे सभा चित लाय भगत कर सांचीर में मां शिव शंकर रो ब्याव प्रेम तू गावर पाया। भगत कर सांची रे मां मेरे सबाचित लाय भगत कर सांची में मां जी। बोलो शंकर भगवान की जय। योग निंद्रा ने खोल शंकर समाचार पहुंचाया, ब्राह्मण कही जे जात रो हे मां चल कर ब्याह, नगर उजैनी सु आवियो बाबा लायो में लगन लिखाए आज शिव जी री महिमा। तो ब्राह्मण देवता कहे कि मैं आपके साव लेने आगे हूं। तो वहां टेम शंकर भगवान बहुत खुश हुआ और महाराज की खातिरदारी करी, प्रेम महाराज ने भोजन कराया और दक्षिणा भी दी दी। गुलाल तो उठे ही नहीं पर वह धूनी की जो राज थी वहां को महाराज ने स्नान करा दिया। तो महाराज कहे यो कहीं करो होते हैं, तो यो कहीं को नहीं, अब आप शुक्रो सुजो। शंकर भगवान एक कोयला की घाट मान और श्री कृष्ण जी महाराज ने दे दी और केवल लग गया कि यह आपके सीख है। अब सुबह महाराज कहीं तो रवाना हुए है और आगे कहीं बात बन जावे। ब्राह्मण आया दरबार आसरी वचन सुनाया, ब्राह्मण आया दरबार आसरी वचन सुनाया। एक दिवस कोई रेण जाए तुम कैसे ही आया, एक दिवस कोई रेण जाए तुम कैसे ही आया। हामियो के लाश है रे गणो नजदी, अब केड़ी रलायो सीख आज शिव जीरी रमैमा। सुन रे सभा चित लाय भगत कर सांची रमैमा, शिव शंकर रो ब्याव प्रेम तू गावर पाया। सुने सभा चित लाय भगत कर सांची मेमा जी। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्राह्मण आया दरबार आसरी वचन सुनाया, एक दिवस दोई रेण जाए तुम कैसे आया। अरे महाराज आप अटी घूम रहे हो गई कि नहीं बाबूजी मैं जाया हूं और लगन तय कर लिया है। तो बधाई कही दीदी महाराज कि ये कोयला है महाराज। तो जो ही महाराज कोयला राजा ने बतावे तो एक एक कोयला हवा हवा लाख रुपया को हीरो बन जाता। तो राजा सोच में पड़ गया कि महाराज ने कही हीरा आया कर, वाकई में डोकरो दे तो नहीं दिया। तो अठी ने शंकर भगवान जिन टेम के माई बाला में कंगी करता हा तो नारियल जिठा में रखियो तो वो नारियल नीचे पड़ गयो। तो शंकर भगवान केवे यो कहीं हो गयो और ये हो तो कहीं है। तो नांदिया ने केवे रे नांदिया अरे बेटी रा बाप आपने तो आज ही हावी है और थोड़ा सा मोड़ा रह गया तो आपने प्रणावेला नहीं, तो अब मैंने बनड़ो बना दे। तो देखो कहीं तो डोकरो बनड़ो बने और आग धतूरा खावे और आगे कहीं बात बन जावे।
दिखाया, हसिया रे शंकर देव बती सोही दंत दिखाया, आगे तूरा खाए शंकर जी गण हर्षाया, आगे तूरा खाए शंकर जी गण हर्षाया, शिव जी के वे नांदिया रे थारे सारे मती गमाजे रात आज शिव धीरी रमेमा, सुन रे सभा चित लाय भगत कर साची रमेमा, शिव शंकर रो ब्यावते में सुंगा वर पाया, सुन रे सभा चित लाय भगत कर साची रमेमा, हसियारे शंकर देव बती सोही दंत दिखाया, हसियारे शंकर देव बती सोही दंत दिखाया, नगर उजैनी बींद आज तो हम ही आया, नगर उजैनी बींद आज तो हम ही रे आया, मत घबरावो रूप है रे खरे हसे उणमा, आई निरखलो जान आज शिव धीरी रमेमा, सुन रे सभा चित लाय भगत कर साची रमेमा, शिव शंकर रो ब्याव प्रेम सूंगा वर पाया, सुन रे सभा चित लाय भगत कर साची मेमा जी। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान केवे रे नांदिया, कंकु पत्रिया छपी नहीं, पीला चावल दिया नहीं, का चिंता मत करो, मैं आ जाऊं टेम पे। तो कहवे हसियारे शंकर देव बतीसो दंत दिखाया, आख दतूरा खाए शंकर जी घना हर्षाया, शिव जी केवे नांदिया रे थारे सारे बात, गरुड़ सवारी चाल जे बिरा मती गमाजे रात, आज शिव जी री महिमा के शंकर भगवान, मैं गरुड़ू भी धीरे चालू ला, अब देखो आधे पहुंच जावे और शंकर भगवान फिर हंसे, हसियारे शंकर देव बतीसो दंत दिखाया, नगर उजीनी बींद आज तो हम ही आया, और अठी ने शंकर भगवान ने नांदिया पे बड़ी रीस आवे और कहे कि नांदिया अब तुम्हारा ऊपर बैठ जा, तो शंकर भगवान नांदिया ने माथे ऊपर चढ़ा और उठू ही गिरगिड़िया, तो वहां दिन से वहां को नाम गिरगिड़िया महादेव पड़ गयो। बोलो गिरगिड़िया महादेव की। अब वहां टेम का बीच में शंकर भगवान आपने ससुराल पहुंचा है और नांदियो रेसा करवा लाइयो, तो सबने अचंबो भी हो, सखियां देखियो कि चलो देखें अपना जीजोसाने तो देखा बरात आगी है, तो शंकर भगवान ने बांग का निशान पता में शंकर भगवान मस्त वे रहा। अब देखो पार्वती जी शंकर भगवान ने आए केबा लागी कि डोगरा यो कई रूप धरियो है, अब 12 बरस और तपस्या करनी पड़ी थाने यदि मैं ब्याह करूं ला, बाकी थारे साथ ब्याह नहीं करूं, तो शंकर भगवान कहे कि अब कई करनो है यह बात मैंने कह दे, तो पार्वती जी कहे कि बढ़िया 16 साल का बनड़ा बन जाओ, जाने नजर लाग जावे जू, वहां टेम शंकर भगवान नन्याणु शंख बजावे और कहीं तो बराती आया है और आगे कहीं बात बन जावे। बोलो शंकर भगवान की। चंपेरी की
कोई चटी के संभेला में मत जाई, संभेला में मत जाई, जो सी जीरी निजरिया लागेणी। ओ भाई भाई चटी के संभेला में मत जाई, संभेला में मत जाई, जो सी जीरी निजरिया लागेणी। चालवा ला गया और शंकर भगवान बनड़ो बढ़िया है और तोरण की छड़ी मंगाई गई तो फिर आगे और कई बात बन जावे। बोलो शंकर भगवान की। अरे पवन पुत्र बुलवाय बधाई दार बुलावो, पवन पुत्र बुलवाई बधाई दार पठाओ, तड़ी रे अखे बड़ तोड़ छड़ी रा दस्तूर सजाओ, तड़ी रे अखे बड़ तोड़ छड़ी रा दस्तूर सजाओ, दरवाजा रे मायने जी चल रियो पदने मो हाटा फोड़ आज शिव जीरी रे महिमा, सुन रे सभा चित लाय भगत कर साची रे महिमा, शिव शंकर रो ब्याव प्रेम तू गावो रे पाया, सुन रे सभा चित लाय भगत कर साची महिमा जी। बोलो शंकर भगवान की। वहां टेम केवल आ गया कि बधाई देवा कुण जाए, तो एक भी हो वो केवल आ गया कि मैं जाऊं बधाई देवा, पर सोचियो कदी वो काम करियो को नहीं और छड़ी कांटो हाथ में लियो को नहीं, अब कहीं करा जिंदगी में पहली बार यो काम करियो है, तो मन में सोचियो कि बड़लो पूरा उठा लो, जैसी छड़ी छाई वैसी वे ले ली, तो पूरा बड़ला ने उठा लियो और रवाना हो गई। मन में सोचियो कि मैंने कहीं कहीं बधाई तो दे, तो वहां टेम केवे है पवन पुत्र बुलाई बधाई दार पठाओ, तड़ी अखे बड़ तोड़ छड़ीरा दस्तूर सजाओ, दरवाजे मावे नहीं भीम चले खंड मोड़,
दरवाजा ने तोड़ियो भाई दीनी हाटा फोड़, आज शिवजी री महिमा। तो बियो गयो और थोड़ो थोड़ो खांदा ने मरोड़ तो गयो। और राजा ने की जान कहवे, राजा जी सड़का चौड़ी करा दो। क्यों? क्योंकि मैं बधाई लायो हूं। तो राजा कहे, डब जाओ काम, ठीक है अब थे मारो मीठो मुंडो करा दो। नहीं मैं मीठो मुंडो नहीं करावा, आपने दपान जिमा दे। तब वहां देखो कहीं तो पांडाल में ले जावे है और आगे कई बात बने हैं। बोले बधाईदार हमें थे भोजन करावो, बोले बधाईदार हमें थे भोजन करावो, चालो नी भोजन सार पका पकवान जिमावो, चालो नी भोजन सार पका पकवान जिमावो। बीमर तोड़े जी मयो ने राजी बोत अनंत, मिठाई सबने करियो चटंत, आज शिव जीर महिमा। सुन रे सभा चित लाय भगत कर साचीर महिमा, शिव शंकर रो ब्याव प्रेम तू गावर पाया। सुन रे सभा चित लाय भगत कर साची में माजी, बोलो शंकर भगवान की। तो वहां टेम कह है कि आप क्यों हो कि मीठो मुंडो, लेकिन आपने दपान जिमा दिया। बोले बधाई दार हमें थे भोजन कराओ, चालो नी भोजन सार पका पकवान जिमाओ। भीम रसोड़े जीमियो ने राजी बोत अनंत, अन्न पानी और गिरत मिठाई सबने कर गयो चटन, आज शिवजी री महिमा। अन्न पानी घी और मिठाई सबने चढ़ कर दी और आधे घंटे तक जीम बोई की दो। पुरुष कार्यक्रम वाला सब ढीला पड़ गया। तो भीम कहेगा, अब शक्कर की बोरिया, आटे की बोरिया और गीरा पीपा सब आबाद हो। तो पुरकारा कहेगा, अब कहीं हो आप, आज लोगों ने जिमावना है। तो एक लोग राजा ने की ओर कहे कि राजा जी एक आदमी इतना सामान चढ़ करना गया, तो आल भारी फौज, आल भारी फौज को कही वही राजा जी। तो राजा जी ने मन में चिंता हो और अठीने शंकर भगवान ने तोरण पे लावा की तैयारी करे। तो आगे और आगे कई बात बन जावे। अधम अनेक तोरण ते गढ़ नेर लावो, खातिरी अधम अनेक तोरण ते गढ़ नेर लावो, पेरी बंद लगाय पेरी पर रत्न जड़ावो, पेरी बंद लगाय पेरी पर रत्न जड़ावो, हरिपाकारो सुवटो ने चाचा रत्न जड़ा। बांदे नर पतराय आज शिव जीरी महिमा, सुन रे सभा चित लाय भगत कर साची महिमा, शिव शंकर रो ब्याव प्रेम तू गावर पाया, सुन रे सभा चित लाय भगत कर साची में माजी। बोलो शंकर भगवान की। जिन टेम के माई कहे है, खाती अधम अनेक तोरण थे गढ़ने लाओ, पेरी बंद लगाई पेरी पर रतन जड़ाओ, हरी पाखारो सुवटो ने चाचा रतन जड़ाई, तोरणियो तारारी छैया बांधे नरपत राई, आज शिवजी री महिमा। अब देखो शंकर भगवान तोरण पे आवे है और कहीं तो पार्वती जी री सखियां अच्छा अच्छा गीत गावे और कहीं बात बन जावे। बोलो शंकर भगवान की। सासु नीरख जवाई रे बचे देवे ओड़े वो, सासु नीरख जवाई रे बचे देवे ओड़े वो, उतारो सुगड़े जवाई रे
पाछे देवे ओले बो सासु निरख जवानी रे पाछे देवे ओले बो अब वाने चौरिया में ले जावे और कहीं तो फेरा फेरे और आगे कहीं बात बन जावे पहले फेरे बाबो सारी जीवन पहले फेरे पहले फेरे बाबो सारी जीवन दूजे फेरे काकारी भतीजी दूजे फेरे फेरे काकारी भतीजी अरे तीजे फेरे मामारी बाणे जी तीजे फेरे मामारी बाणे जी अरे चौथे फेरे होगी रे पराई चौथे फेरे होगी रे पराई बोलो शंकर भगवान की ई प्रकार चार फेरा पूरा हो जावे और थोड़ी देर बाद शंकर भगवान ने सीख देवे और सखियां कहीं तो गीत गावे है और आगे कहीं बात बने है। हे राम गुण गाए पार्वता जी चाली रे कैलाश हे मां जलरी पुतरी हे राम गुण गाए पार्वता जी चाली रे कैलाश हे मां जलरी पुतरी शंकर भगवान की।